आज हम बात करेंगे दमा, खांसी, बदन दर्द, सिर दर्द, बुखार, उल्टी, अरुचि, जी मतलाना, जी घबराना, बेचैनी, शरीर में भारीपन, भूख न लगना, यहाँ पर दर्द होना, छाती में दर्द होना, अफारा, पेट में दर्द, गुड़गुड़ाहट, पेट में कीड़े और कमर में दर्द आदि से संबंधित ये समस्याएं होंगी आने वाले समय में, मार्च अप्रैल में। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये हमारा आयुर्वेद की जो दिनचर्या है, जो ऋतु अनुसार जो आयुर्वेद के मतलब दोष बिगड़ते हैं, संचय होते हैं, कुपित होते हैं और समन होते हैं, उनके अनुसार ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत समझना कि एक भविष्यवाणी कर दी है। तो क्योंकि अब जो है मार्च और अप्रैल में बसंत ऋतु चलेगी, वैशाख और चैत्र का जो माह होता है वो बसंत ऋतु का होता है। पिछली हमारी वीडियो थी कि जनवरी और फरवरी में कौन से रोग होते हैं, तो आज हम बात करते हैं। आपको पता लग गया कि इस समय पर दमा ज्यादा होता है, खांसी ज्यादा होती है, बदन दर्द ज्यादा होता है, बुखार ज्यादा होता है, उल्टियां ज्यादा आती हैं, अरुचि होती है भोजन के प्रति, भूख नहीं लगती है, जी मचलाता है, बेचैनी होती है, शरीर में कहीं भी भारीपन महसूस होता है, पेट में अफारा होता है, पेट में दर्द होता है, पेट फूला फूला खचा खचा महसूस होता है, कब्ज होती है और पेट में कीड़ों की समस्याएं खास तौर पर हो सकती हैं। खास तौर पर मार्च की अप्रैल की हम बात करते हैं, तो अप्रैल के समय में नया अनाज आना शुरू होता है और जब हम नए अनाज का सेवन करते हैं तो नए अनाज की वजह से हमारे पेट में काफी विकार होने की संभावना होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अब मार्च और अप्रैल में हम ज्यादा से ज्यादा पुराने अनाजों का जो है हम सेवन करें। तो हमें उस समय पर क्या खाना चाहिए, सबसे पहले पथ्य और अपथ्य पर बात करते हैं। पुराने जौ खाएं, पुरानी गेहूं खाएं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि धानों का जो है हम सेवन कर सकते हैं। मूंग, मसूर और दालें तथा मूली, घिया, गाजर, बथुआ, चौलाई, परवल, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, इनका हम सेवन कर सकते हैं। वमन हमें करना चाहिए। वमन कैसे किया जाता है, वमन में उल्टी, फुल पानी पी करके, काफी पानी पी के उल्टी के माध्यम से जो उस पानी को बाहर निकाला जाता है, ताकि कफ और तेजाब यदि, यानी पित्त और कफ यदि हमारे शरीर में जमा है ज्यादा, तो अमाशय के आसपास उसको बाहर निकाला जा सके। शरीर पे उबटन लगाना चाहिए, आंखों में अंजन करनी चाहिए, शरीर पर जो है चंदन का लेप अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अपथ्य हमें सबसे पहले बात करते हैं, हमें क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। ज्यादा नए भोजन का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ज्यादा चिकनाई युक्त चीजों का हमें मार्च अप्रैल में सेवन नहीं करना चाहिए, और क्या नाम है, गन्ना नहीं खाना चूसना चाहिए, गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए, गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बवासीर जैसी समस्याओं का भी जो है सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा भारी चीजें, सिंघाड़े का आटा, भैंस का दूध, इन चीजों से बचना चाहिए। और उस समय पर विशेषकर सूर्य उदय से पहले उठें, और यदि दिन में सोओगे तो वो आपको और भी रोगों का सामना करने पर मजबूर कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गो माता।